से तो एक लोकेंद्र सिंह जो कि कोशिश कर रहा है एबीवीपी से टिकट लेने की, और दूसरा जिसने सारा मदद की रहने में वो है कंवर राज सिंह। घटना कहीं झाड़ियों में या खुले ग्राउंड में जो किस होंगे? जी मैम, क्या घटना हुई थी, जो गैंगरेप का जो मामला सामने आया था? कल रात को एक नाबालिग लड़का लड़की, लगभग उम्र 17-18 साल, वो अजमेर से जोधपुर की तरफ आए थे बस से। बस स्टैंड पर वो रात को 10:30 बजे के लगभग उतरे। उसके बाद वो किसी यहाँ पर रुकने के लिए गेस्ट हाउस में उन्होंने कमरा ढूंढा, तो एक कृष्णा गेस्ट हाउस है थाना महामंदिर पावटा के पास, तो उसमें उन्होंने रुकने के लिए वो गए। उनके पास कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं होने से, और फिर उनको उनके साथ जो उधर का गेस्ट हाउस का जो कीपर था उसने बदतमीजी की, तो वहाँ से वो फिर निकल कर आ गए और पावटा चौराहे पर वो बैठ गए। वहाँ पर उनको 3 लड़के मिले जिन्होंने उनके साथ दोस्ती करी और विश्वास अपने उनको विश्वास में लिया, उनको खाना पीना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी, और उसके पश्चात लगभग सुबह 4 बजे के लगभग उनको विश्वास में लेकर कहा कि हम तुम्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ आते हैं, उससे फिर आगे तुम चले जाना। उसमें वो जब पैदल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ सामने पुलिस मिल सकती है, तो जो रेलवे लाइन है अपनी जो पावटा से हम नई सड़क की तरफ जाते हैं, तो उसमें रेलवे लाइन के साथ साथ चले और फिर अंदर कच्चे रास्ते से वो ओल्ड कैंपस, जो JNU का ओल्ड कैंपस है, उसके हॉकी ग्राउंड में ले गए। वहाँ पर उन्होंने लड़के को बंधक बना के और लड़की के साथ जो गैंगरेप है वो घटना कारित की। इसके पश्चात जब वहाँ पर ये सुबह 5-1 बजे तब वो मॉर्निंग वॉक के लिए कुछ आमजन आ जाते हैं, तो उनके आने की वजह से वो लड़के भाग खड़े हुए। तुरंत उन्होंने पुलिस में सूचना की। CP सर, मैं, पूरी टीम, FSL, MOB, डॉग स्क्वाड तुरंत सुबह ही घटनास्थल पर पहुंचे और टीम्स गठित करके, क्योंकि आरोपी अज्ञात थे तो इसीलिए उनकी पहचान करके और उनको डिटेन करना हमारी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता थी, और साथ के साथ FIR दर्ज करके और लड़की को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, वो हमने दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए सभी टीम्स गठित की। हमें जो कुछ एक बेसिक पुलिसिंग हमारी जो हार्डकोर पुलिसिंग होती है और तकनीकी सहायता से हमने एक का पता लगा लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर जब हम उसको पकड़ने के वहाँ पर वो भागने लगे और बड़ी मुश्किल से हमने उनको गिरफ्तार किया। इस दौरान गिरने से उनके तीनों के पैर में पैर टूट गए और उसके पश्चात अब उनको हॉस्पिटल में उनका प्राथमिक इलाज करके अब उनकी गिरफ्तारी की जो प्रोसेस है वो जारी है। साथ के साथ जो होटल वाला है, कृष्णा गेस्ट हाउस वाला जो कीपर था, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी हैं वो सभी 20-22 साल की उम्र के लड़के हैं। उनमें है एक समंदर सिंह भाटी, उम्र 22 साल, वो मूल रूप से बाड़मेर का निवासी है और यहाँ पर उसने BA फर्स्ट ईयर में JNU में एडमिशन लिया। दूसरा धर्मपाल सिंह, उसका साथी, जो ओसिया का है, उसने MA फर्स्ट ईयर में यहाँ पर एडमिशन लिया था अभी फिलहाल। और तीसरा है भट्टम सिंह, जो कि समंदर सिंह के गांव का ही, वो अजमेर से BEd कर रहा है। तो ये तीनों जो आरोपी हैं अभी पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है। और साथ ही साथ जो कीपर था सुरेश सन ऑफ प्रताप सिंह जाट, PS बग्गड़ झुंझुनू, उसको भी गिरफ्तार कर। बच्चे की क्या हालत है, जो बच्चे उसकी क्या स्थिति? वो ठीक है, उसका प्राथमिक इलाज करा दिया गया। ये तीनों लड़के कहाँ रहते थे, यहाँ पे क्या? ये तीनों लड़के, ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए रायका बाग में इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही कमरा किराए पर लिया था, और ये छात्र संघ जो प्रत्याशी है उसमें चुनाव में, उनके लिए ये प्रसार कर रहे हैं। जो अभी पूछताछ की गई है आरोपियों से, तो एक लोकेंद्र सिंह जो कि कोशिश कर रहा है ABVP से टिकट लेने की, और दूसरा जिसने सारा मदद की रहने में वो है कंवर राज सिंह। घटना कहीं झाड़ियों में या खुले ग्राउंड में? जो जो हॉकी ग्राउंड होता है उसके साइड में जहाँ पर घास थी बिल्कुल एक कोने में, वहाँ पर ये घटना कारित की गई। और अभी FSL से महत्वपूर्ण साक्ष्य हमने जुटा लिए, जो इसका अनुसंधान है वो एडिशनल DCP सिकाऊ निशांत भारद्वाज जी को दे दिया गया है, और इसका हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका हफ्ते भर में हम चलान कोर्ट में पेश करें, और साथ के साथ हम माननीय न्यायालय से
निवेदन करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर महीने भीतर हम कोशिश करेंगे इन सबको सजा देने।